एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा सेकंड ब्लॉग है। तो आज मैं अपने गाड़ी का रिव्यू दूंगा, बेस्ट बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग्स बताओगे मेरे गाड़ी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच, तो मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में अच्छा रिस्पॉन्स, मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स दिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो अभी अपन देख रहे हैं मेरे गाड़ी के फर्स्ट फर्स्ट बेस्ट थिंग्स के बारे में, क्योंकि मेरे को सबसे बेस्ट थिंग कौन सी लगी मेरी गाड़ी के अंदर, सीट पोस्टर है। सीट पोस्टर तो एक नंबर है सर, फ्रंट के लिए बेस्ट है, बट पीछे के लिए ना इतना कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग बैठे थे ना उसको फ्रंट का पैक जो गाड़ी चला था ना उनको अच्छा लगा, बट ये पीछे का था ना मतलब इतना खास नहीं, क्योंकि छोटा है ना, और एक ऐसा ब्रॉड है और ये छोटा है, क्योंकि ना इसमें अपना फिट नहीं होता, जो हेल्दी वेट रहेगा ना उसके अंदर फिट नहीं होता उसका। सबसे बेस्ट थिंग इसको इसका ये लगा ना, जब अपन बैठते हैं ना एक रॉयल लुक आता है, इसके से नाम है रॉयल इनफील्ड वगैरह, रॉयल लुक आता है बैठने के खास खास आता है। जो एट्रैक्शन है गाड़ी का कलर गाड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है, ये रेड स्ट्रिप्स दिए और ये रॉयल इनफील्ड रेड में निकल, ग्लॉसी में इतना था बट मेरे को मैट लेने का, जिसमें मैट लिया, बॉम लगता है गाड़ी। और सेकेंड चीज़ अपन देखिए कि गाड़ी के बारे में, सबसे हैंडल बार तो अच्छा, मतलब पोस्चर बेस्ट है, खाली इसका प्रॉब्लम है क्या मालूम है, अभी अपन 100 के ऊपर जाएंगे ना, अभी ये 100 के ऊपर जाएंगे ना, तो ये पूरा वाइब्रेशन इतना गंदा वाइब्रेशन होता है ना कि पूरे मेरे हैंड्स शेक होते हैं और इसमें हैंड्स आ जाते, मुंगे आ जाती पूरे हाथ में मेरे। बाकी सब बढ़िया का क्लासिक बाइक के बारे में, क्लासिक 350 सेम ब्लैक कलर, बाकी सब बॉम है। देखो लुक्स देखो इसका बाइक का, पोस्टर भी सब पूरा बॉम है। हेलो गाइस, तो अभी मेरा हैंडल का हुआ और सीट का हुआ, और मैं आपको सेकंड थर्ड चीज़ बताता हूँ गाड़ी के बारे में। गाड़ी है लोखंड की, बट है ना सबसे सेंसिटिव पार्ट उसका है ना ये टैंक है, टैंक सेंसिटिव पार्ट है, और ये सब दिख रहे हैं जो ये सब सेंसिटिव पार्ट्स है उसके, उस पर ना मोस्टली निकलता हूँ माइक्रो फैब्रिक क्लोथ लगाओ, तो यह अभी मेरे को यहाँ पर इधर ये फोकस नहीं हो रहा, इधर स्क्रैच है वो है ना, क्या हुआ मालूम है, मैं कॉटन का क्लोथ लिया, उस पर ना पिजन ने शीट किया था, फिर मैंने कॉटन से क्लोथ से रब किया ना, इधर स्क्रैच आ गया, क्योंकि स्क्रैच बहुत गंदा लग रहा है, इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा स्क्रैच। देखो इसमें जूम होते हुए देखते हैं, देखो इधर स्क्रैच है तो अच्छा दिख रहा है, स्क्रैच वो मेरे गलती से हो गया, इसलिए थोड़ा जान दो, अभी कुछ नहीं होता। गाड़ी का टैंक पेट्रोल टैंक है ना बहुत सेंसिटिव है, इसके लिए मैं रिकमेंड क्या करूँगा मालूम है, मतलब क्लोथ से मत रब करो, मतलब बोलते ना मैं तो गाड़ी शैम्पू से ना मोस्टली बहुत कम धो, 1 मंथ में गाड़ी लेके हुआ है, बट मैं बहुत शैम्पू से बहुत मतलब एक बार भी नहीं धो रहा है गाड़ी को। मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली ये वॉश करता हूँ, पानी से वॉश करता हूँ, वाटर से वॉश करता हूँ नॉर्मली, तो उसके बाद ये पूरी मेरी बाइक होती है ना ड्राई, तो उसके बाद मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, मैट फिनिशिंग वाला है, मैट फिनिश ये बेस्ट है ये, मतलब मैं जब भी गाड़ी को मतलब नॉर्मल वॉश करता हूँ वाटर से, दैन उसके बाद ये उसको क्या करता हूँ, एक नॉर्मल क्लोथ लेता हूँ, मतलब माइक्रोफैब्रिक वाला वो लेता हूँ क्लोथ लेता हूँ, तो उसके बाद है ना उसको ऐसा स्प्रे करके उसके ऊपर मैं रब करता हूँ नॉर्मली, बस उसके ऊपर वो मैट फिनिशिंग वैसी रहती है। मैं टैंक अभी देख दो ग्लॉसी नहीं हुआ है, ग्लॉसी अभी तक टैंक नहीं हुआ है, बाकी लोग का मैं देखा, मैं अभी जब भी हाईवे से आ रहा था ना, जब भी एक बाजू से मेरा बंद हो गया, सेम वैसा मेरी गाड़ी का ऐसा सेम वही गाड़ी थी, बट सर टैंक है ना ग्लॉसी हुआ था, मैंने देखा ये टैंक है ना पूरा ग्लॉसी हुआ था, पूरा ऐसा लग रहा था शाइन कर रहा है वो, मैं शाइन नहीं कर रहा बट बोलते ना मैट फिनिशिंग आ रहा है मेरी गाड़ी में, सर मैंने मेंटेन किया, प्लीज़ मेंटेन करो, और ये मेरे से ना बहुत तो, मतलब मेरी ये ना ये स्क्रैच बहुत मतलब वो जब ऐसे बोलते ना गाड़ी को जब स्क्रैच होता है ना तब खुद को चोट पोस्ती है वैसा लगता है, बहुत मतलब गंदा लग रहा है ये सामने से, बट कुछ जान दो अभी कुछ नहीं होता, हुआ तो हुआ, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते अपन, इंश्योरेंस के लिए वो सब वो तो रहेगा, इसलिए मैं सोच रहा था कुछ इधर करूँ बट नो को। मेरे गाड़ी के माइलेज के बारे में, मेरे को रियली अभी गाड़ी के तो 42 माइलेज दे रही है, 42 माइलेज, 40 से 42 मेरे को माइलेज दे रही है, तो बेस्ट थिंग पार्ट है माइलेज का, मतलब सब लोग मेरे को बोलते थे कि माइलेज कम देगी, माइलेज कम दी, फुकट का बुलेट लिया तो स्कूटी लगा, स्कूटी मतलब बोला नहीं यार अपन करेंगे, खाली प्रॉब्लम है आपको बोलता हूँ, क्योंकि गाड़ी आप जब भी फर्स्ट लेंगे ना तब से ना थर्ड गियर पे चलाना गाड़ी बहुत थर्ड गियर में बहुत, तो गाड़ी पेट्रोल कम खाती है थर्ड गियर पे, मतलब जो आपका हैंडल कंट्रोलिंग का वैसे करो, और ये एक्सेस ट्रॉडल मत दो, अभी आप एक्सेस ट्रॉडल देते ना इंजन को ये होता है प्रॉब्लम होता है, देन फिर माइलेज गंदा मिलता है, स्टार्टिंग में माइलेज गंदा मिलेगा ना फिर पूरा बाइक का सिस्टम बोलते ना वो खराब हो जाएगा, देन बाद में 25 मैं तो मेरा एक में देखा था ना जो उसको बंदे को बाइक है ना 25 का भी माइलेज दे रही, क्योंकि उसने बहुत
साइलेंसर चेंज करा, साइलेंसर अभी मत चेंज करो, 1000 किलोमीटर चेंज करो, क्योंकि ना स्टार्टिंग में कौन सा भी गाड़ी का प्रॉब्लम हुआ फिर कंपनी क्लेम नहीं करती, क्योंकि कंपनी बाद में बोलेगी कि आपने साइलेंसर चेंज कराया, बाद में गाड़ी कंपनी में क्लेम करो होगा नहीं, क्योंकि माइलेज के इशू की वजह से, और कौन सा भी इशू आएगा इंजन में, इंजन कभी कभी लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया, ये बोलते हैं ना कभी कभी, इसलिए। और तो मन का रिव्यू ही है, तो अभी मेरे को तो गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, खाली मेरे को फर्स्ट एक बार प्रॉब्लम आया था, क्योंकि मेरी बैटरी ना कटआउट हो गई थी, क्योंकि ना वो मेरे को सर बोल रहे थे कि सर्विस सेंटर पर सर बोल रहे थे गाड़ी लॉकडाउन की वजह से रुकी थी ना, उसकी वजह से बैटरी में मेरे को फॉल्ट आया था, नॉर्मली फॉल्ट आया था, कटडाउन आया था, फिर मैं एक बार मैंने चेंज करे, वो बंदा बोला था मुझको कि वन वीक में देखते प्रॉब्लम आता है कि नहीं, फिर वन मंथ में देखे, फिर उसके बाद मेरी ना गाड़ी का बैटरी मेरे को रिप्लेस में हो गई थी गाड़ी, अपने फर्स्ट वॉक में आके देखे रहेंगे मेरी गाड़ी का, वो याद नहीं अभी मेरी गाड़ी का बैटरी कौन सा है, बट मेरे को याद नहीं अभी, मैं खोल के देखता हूँ एक बार, आपको नाम बोलता हूँ, गाड़ी का बैटरी का प्रॉब्लम होता फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे डैड गाड़ी चलाते हैं ना, उसके वजह से ना डैडी ये थोड़ा एज है ना, इसलिए डैडी को किक मारना प्रॉब्लम होता है, इसलिए सेल्फ, अभी मेरे को सेल्फ परफेक्ट है, अभी गाड़ी जब मैं फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी लाया था ना, रियली बॉम का गाड़ी कितनी स्मूथ हो गई थी ना गाड़ी, चलाने मज़ा आ रही थी गाड़ी को, अभी मेरे को चलाने बहुत मज़ा आती, खाली ना मैं बोल रहा होता है ये गाड़ी KTM BTM नहीं है, इसको एकदम नॉर्मली चलाओ गाइस, बोलते ना एकदम टोटल एक्सेस मत करो, साइलेंसर मोस्टली मैं तो बोलते चेंज करो, गाड़ी का साइलेंसर भी बॉम आ रही है, जो ओल्ड बोलती थे ना बुलेट उसके ऐसा नहीं है, बट यार अच्छा है ये भी साइलेंसर, खाली गाड़ी का सब है ना चीज़ सेंसर्स के ऊपर है, एक सेंसर्स ये सब सेंसर्स के ऊपर ही, एक साइड स्टैंड सेंसर्स के ऊपर है, ये फ्यूल EFI सिस्टम है ना वो भी सेंसर्स के ऊपर, क्योंकि तब तक है ना मेरे को मैं एक बोल रहा हूँ आपको, तब तक मैं गाड़ी ये अपन ये करते ना ये किल स्विच दबाते ना अपन, उसके बाद गाड़ी 5 से 2 सेकंड रुको, मैं फर्स्ट लोग मेरे को बंदे ने बोला रहेगा, क्योंकि मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, अरे मेरे को ध्यान नहीं रहता ना मैं करता था, फिर गाड़ी मेरे को ना बीच में बंद कर दी थी, क्योंकि ना वो फ्यूल पूरा इंजन तक पहुंचता नहीं है, इसलिए गाड़ी बीच में बंद कर दी थी, सॉरी गाइस मेरा ये वीडियो बस शॉर्ट रहेगा, बट आई एम नॉट अ रिव्यूअर यार, मैं रिव्यूअर नहीं, मैं खाली व्लॉग, मेरे को मैं ये चैनल व्लॉग के लिए खोला था, मेरे को फर्स्ट व्लॉग में गाइस अच्छे में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैं सेकंड व्लॉग बनाया, रियली थैंक यू सो मच फॉर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स, मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स आए, मेरे को रियली मेरे को 10 डेज में मेरे को ना 15K मेरे क्रॉस हो गए थे, मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैं सेकंड ये रिव्यू का व्लॉग बनाता हूँ, तो मैं कौन सा राइड का व्लॉग बना रहा था, अभी तक लाइसेंस नहीं है मेरा, इसलिए पॉजिटिव कमेंट्स भी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बेस्ट करो, और मेरे को अगर मेरे को ये गाड़ी की प्राइस पूछनी की है कि और कुछ पूछने की गाड़ी में कमेंट्स करो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें पूछ लेना, तो गुड बाय।